वेलकम बच्चों आप सभी का विद्या मंदिर क्लासेस में। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की रिवीजन के आज यहाँ पर हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है और अजीब सी बात लगेगी आपको सुनने में अभी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे ना तो अचानक से बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, जब तक आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाते, जेई के सिलेबस की हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ईजी चैप्टर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही इससे आते हैं, बोर्ड में भी, मेन्स में भी, एडवांस में भी। बाकी मैथ्स का तो देखो कि भरोसा नहीं है, किसी भी चैप्टर का अचानक से बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इसका मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं इस चैप्टर में, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। ये दो मेजर पार्ट है। तो सर जो इसमें से जो बड़ा वाला पार्ट है, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्लास के एंड के आसपास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना भी रिवाइज कर लेंगे। और आई एम श्योर कि आपने बोर्ड एग्जाम जब में अपेयर हुए थे तो जो क्वेश्चंस आपने किए थे ना, उसकी नॉलेज के बेसिस पे आराम से फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकाल सकते हो। चलिए पहले हम सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं। पहले बच्चों हम सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे फोकस करते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं कि मेनली तीन तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। फिर आपने ज्यादा आगे तक पढ़ाई कर रखी है एडवांस के लिए तो आपको पता है कि और ज्यादा भी तरीके होते हैं, लेकिन हम मेंस के लिए ओरिएंटेड हैं अभी। जब एडवांस के लिए होंगे तो उससे बाद में बात करेंगे। मेंस के लिए हिसाब से तो तीन तरीके ही काफी हैं। तो जो मेथड्स हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उसमें सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि सारे वेरिएबल अपनी अपनी सही जगह पर है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है सारे वेरिएबल अपनी अपनी सही जगह पर है। डीवाई के साथ वाई है, डीएस के साथ एक्स है, मतलब एक्स का सारा फंक्शन डीएस के साथ है, वाई का सारा फंक्शन डीवाई के साथ है। अगर ऐसा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए करके देखें क्या उसका क्वेश्चन, और भी तरीके हैं, पहले हम उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर वापस इस पॉइंट पर आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, डीवाई बाई डीएक्स टू वाई प्लस 3। तो देखो कैसे पता वेरिएबल सेपरेबल है, और हमें कैसे पता कि हम वेरिएबल सेपरेबल पहले ट्राई करेंगे। जो मैंने ऑर्डर बता रहा हूं ना अभी, वेरिएबल सेपरेबल लिखा, आगे दो और लिखूंगा तो ऑर्डर आपका ये रहेगा। आप हर क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है तो बहुत बढ़िया, कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है, और वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो अगला देखेंगे, वो नहीं है तो उसके बाद अगला देखेंगे। और तीन के अलावा चौथा इंस्टेंटली नहीं आता मेंस एग्जाम में, बहुत रेयर इंस्टेंसेस में ही आया करेगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्यों वेरिएबल सेपरेबल बच्चों इसको बोला जाता है, क्योंकि देखो ना सारे वेरिएबल अपनी अपनी जगह पर आ गए। y का वेरिएबल dy के साथ आ गया, x का वेरिएबल dx के साथ आ गया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी हमें नहीं है। हाँ, और ये तो आप सभी जानते ही हो बोर्ड एग्जाम देने के बाद कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होकर गुजरता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन से होकर गुजरता है। तो इंटीग्रेशन में अगर आपका हाथ अच्छे से नहीं बैठा हुआ है तो इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने में परेशानी तो आपको होगी होगी। तो प्लीज जिनकी भी थोड़ी सी परेशानी भी है वो इस परेशानी को दूर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि ये चैप्टर कमजोर ना रह जाए आपका। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, लॉग ऑफ वाई प्लस 3। तो मॉड वगैरह इतना नहीं लगाते डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह होता है, ज्यादा डोमेन की बातें हम नहीं करते, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं जो हमने क्लास शुरू में काफी दिन पहले ली भी थी। इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो भैया क्या बताया गया हमें कि वाई ऑफ 0 2 है, y of 0 2 मतलब x को 0 डाला जाए तो y 2 आएगा, x को 0 डाला जाए y 2 आएगा। अच्छा भाई log है तो बेस क्या होता है इंटीग्रेशन वगैरह में ना, जब log होते हैं ना बच्चों, जो बेस होता है ना वो नेचुरल log वाला होता है, तो बिल्कुल क्लियर रखना। तो जब x को 0 y को 2 रखोगे आप, तो log of 5 with this e is equal to 0 plus c, मतलब जो c की वैल्यू है ना वो log of 5 with this e आ जाएगी। तो rewriting this equation as log of y plus 3 with this e is equal to x plus log of 5 with this. ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट? ये बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा कि सॉल्यूशन बोलते हैं कि इसको आर्बिट्री कांस्टेंट वगैरह वगैरह, सिंगुलर सॉल्यूशन वगैरह अगर आप जानते हो और मैं टच नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि जानबूझ के इसको टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हमें ये भी तो देखना है ना कि हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ मेंस एग्जाम की ओरिएंटेशन में बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें उस लेवल को टच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एडवांस के लिए जब हम बात करेंगे तो जरूर हम अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाएंगे। अब
वाई ऑफ लॉग ऑफ टू पूछा गया है, मतलब हमसे पूछा गया है कि जब एक्स के बदले आप लॉग टू डालोगे तो क्या आएगा। हमसे पूछा गया है कि जब आप एक्स की जगह लॉग टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। जब एक्स की जगह आप लॉग टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई तो हमें निकालना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री, एक्स की जगह आपने लॉग ऑफ टू सब्स्टिट्यूट कर दिया विद बेस ई, ऑफ कोर्स कुछ नहीं दिया तो लॉग ऑफ फाइव विद बेस ई। यार लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू और फाइव मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन। अब यार कोई बहुत बुद्धिमानी थोड़ी चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस थोड़ी चाहिए इस बात को क्रैक करने में कि y प्लस थ्री की वैल्यू 10 है, देन व्हाट इज y, y इज नथिंग बट सेवन। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है कि हम सारे वेरिएबल को अपने अपने सही घर में भेज सकते हैं, x x की जगह चला जाएगा, y y की जगह चला जाएगा और इंटीग्रेट होकर आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमें पता है कि लाइफ हमेशा इतनी आसान नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो, लेकिन कुछ इधर उधर रिप्लेस करके उनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी अगर कन्वर्ट किया जा सके तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ी मोड़ी मैनिपुलेशन के बाद, बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो थोड़ी मोड़ी मैनिपुलेशन के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी कैटेगरी में फिट कर देते हैं, राइट, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी कैटेगरी में फिट कर लेते हैं। चलिए इस कैटेगरी का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब आप बोलोगे हमने बाकी तो देखा ही नहीं है, चलो हमने बोर्ड वगैरह में तो देखा, आपको थोड़ा आइडिया होगा ना, तो वेरिएबल सेपरेबल हम ट्राई करेंगे तो सीधा सीधा वेरिएबल तो अपने अपने घर में नहीं जा रहे, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़ते हैं बच्चों आप, तो आपको एक आदत आपके टीचर्स ने नहीं लगाई है कि जो अजीब सा लगता है, जो आउट ऑफ द प्लेस लगता है उसको उठा के टी डाल दो, चीजें कई बार कन्वर्ट हो जाती है। तो आउट ऑफ द प्लेस कौन सा लगता है यहाँ पर सर, अभी एक्स माइनस वाई आउट ऑफ द प्लेस लगता है, एक्स माइनस वाई को उठाकर हमने टी बोल दिया। अब अगर एक्स माइनस वाई को उठाकर हमने टी बोल दिया, दोनों से डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई, तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा 1 minus dt upon dx, 1 minus dt upon dx। अब इसको रिप्लेस कर दिया जाए ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या फॉर्म ले लेगा उसको देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है dy by dx की जगह आ जाएगा 1 minus dt by dx, dy by dx की जगह आ जाएगा 1 minus dt by dx और उसकी जगह t square आ जाएगा। तो क्या फायदा हुआ बच्चों, फायदा अब आपको सामने दिख रहा होगा, फायदा ये है कि 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी के साथ चला जा सकता है और x अपना अलग, dx अपना अलग जा सकता है, तो हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी, तो थंब रूल आप याद कर लो ना, जो अजीब सा लगता है उसको उठा के टी डाल दो। देखो ज्यादा चीजें तो है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ तीनों नाम, एक वेरिएबल सेपरेबल हो गया, एक होमोजीनियस होगा और एक लीनियर होगा, इन्हीं तीनों में से आपका कोई क्वेश्चन होगा मेंस का। तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो, तो सोचना इतना मुश्किल काम भी नहीं है ना। अब बोलोगे ये क्या तरीका है यार मैथ्स में, कोई श्योर शॉर्ट तरीका बताओ, मैथ्स का नेचर ही है कि श्योर शॉर्ट तरीका नहीं होता है बच्चों। आप जब तक एक्सपेक्ट, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक मानोगे नहीं इस बात को कि मैथ्स में हर क्वेश्चन का श्योर शॉर्ट तरीका नहीं होता, काफी हंच पे इंट्यूशन पे आपको प्रोग्रेस करना पड़ता है, तब तक चीज आपको अनमैनेजेबल लगती रहेगी। आप मानिए कि मैथ्स में बहुत सारी चीजें होती हैं अजीब सी, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ना उन अजीब सी चीजों को हम मैनेजेबल बना लेते हैं, आसान नहीं बना सकते अगर तो मैनेजेबल जरूर बना लेते हैं। इसलिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेमोराइजेशन, आइडियाज का मेमोराइजेशन और आइडियाज का बार बार एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है मैथ्स में, जितना कि बाकी सब्जेक्ट में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये जो मैंने किया है ना जस्ट प्रैक्टिस से ट्रेनिंग है मेरी, मुझे इस तरह से ट्रेंड मैंने सीखा है, इस तरह क्वेश्चन मैंने किए हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन देखकर इंपल्स आता है कि उसको उठा के टी डाल दो। ऐसा नहीं कि अभी टीचिंग लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी इंपल्स आता है, आपको भी आता होगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा काम मैंने किया नहीं है, इसे तो मुश्किल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो हमारा वही टारगेट क्या होता है इन लेक्चर्स में, जो हमारा एक से डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है उसमें टारगेट ये होता है ना बच्चों की कंप्लीशन की फीलिंग आ जाए। बार बार हम इस बात को करते हैं कि हमने देखो पढ़ाई तो कर रखी, एक से डेढ़ घंटे में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ के तो एग्जाम में नहीं जाओगे और वैसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, तो आपने बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रखी है, थोड़ी बहुत मेंस एडवांस के लिए पढ़ाई कर रखी होगी, तो लास्ट टाइम पे बस उन आइडियाज को एक बार इकट्ठा देख लोगे ना जल्दी से, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देख लोगे, खुद सॉल्व करके देख लोगे, तो अपने आप यकीन फिर से वापस आ जाएगा, येस आई कैन डू दिस, आई ऑलरेडी स्टडी दिस एंड आई कैन रिपीट द सेम क्वेश्चन और
यकीन मानो सिमिलर सा क्वेश्चन ही तो एग्जाम्स में आता है, सारे नहीं आते सिमिलर, लेकिन काफी साइजेबल क्वांटिटीज ऑफ क्वेश्चन तो सिमिलर आती है ना मेंस में, तो एडवांस में भी काफी क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, मेंस में तो आते ही आते हैं। चलिए काम के ऊपर लौटते हैं, बहुत ही नजर की बात कर ली हमने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने है, सॉल्व करने के लिए भाई इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, बिना इंटीग्रेट के कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, अब मैं फॉर्मूला थोड़ी बताऊंगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोर्ड दे कर रहा है यार, बोर्ड दिए बहुत टाइम हो गया, शुक्र है 17 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 मार्च को बोर्ड दे दिया था, नहीं तो अभी तक सस्पेंस चलता रहा था कि बोर्ड में मैथ्स का क्या होगा क्या होगा। और आई एम श्योर कि जितने बच्चे सिंसियरली मेंस की तैयारी करें वो ये तो नहीं चाहते रहे होंगे कि मैथ्स का बोर्ड एग्जाम ना हो यार, एक सोचो जब 10th के बाद 11th 12th में आप आते हो तो हर चीज मुश्किल ही लगती है, एकमात्र जगह जहाँ सुकून मिलता है हमें वो स्कूल का एग्जाम है, वहां लगता है कि यार हम स्टिल बॉन्ड है, हमारी अभी भी दुनिया में चलती है, हम गधे नहीं है, दिमाग है हमें, बाकी जगह तो पता नहीं क्या हो रहा होता है, बूस्टर टेस्ट में एडवांस के टेस्ट में पता नहीं दुनिया किधर की किधर जा रही होती है, स्कूल के एग्जाम लगता है बॉन्ड्स कॉलर उठाकर उठाने का मन करता है, वो भी एग्जाम ना ले रहे हो आप तो लाइफ, और आगे IIT में जाओगे तो वहां भी ऐसी फीलिंग कंटिन्यूड रहेगी कि पता नहीं क्या 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 हो रहा है, तो एक जगह तो लास्ट पर बॉस बन जाए तो वो मौका कम से कम वायरस ने छीना नहीं आपसे, 17 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17th को एग्जाम हुआ था, 17th को एग्जाम दिया और बॉन्ड बनने का आपको मौका मिला होगा उस दिन। चलो अब असलियत में आ जाते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएक्स ओवर एक्स, तो मैं फॉर्मूला भी क्या बताऊं, मैं सीधा आंसर ही लिख दूं तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूं, जिनको क्लिक नहीं करता बहुत प्रॉब्लम की बात है बच्चों, ये होना नहीं चाहिए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो चलो मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला है डीएक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है ये तो चलो आगे बढ़ते हैं हमसे, तो t को चलो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, t था क्या बच्चों, t था आपका x माइनस वाई, और टू को उधर भेजो, टू की इधर सही जगह लग नहीं रही, टू को उधर भेजो और t को सही से रिप्लेस करो, t को सही से रिप्लेस करो तो 1 प्लस t की जगह आ जाएगा x माइनस वाई, 1 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 डालने पे y 1 आ जाना चाहिए, x की वैल्यू 1 फीड करने के बाद y की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, ये मतलब है x equal to 1 y equal to 1, चलो फीड कर देते हैं, तो x equal to 1 y equal to 1 फीड करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आ जाएगा, log of 1/1 जो कि 0 होने वाला है, twice of 1 plus, twice of 1 plus, x की वैल्यू 1 फीड करने पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, log of 1 0 हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, अब c की वैल्यू को माइनस वन रख के हम अगर फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करें, c की वैल्यू माइनस वन लिख के अगर हम फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करें तो आंसर क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वन, ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ऑप्शन देखोगे बच्चों छोटा सा log, log की बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाओगे, बेसिक सी कौन सी प्रॉपर्टी, बेसिस कौन सी प्रॉपर्टी, कि लॉग में रेसिप्रोकल करते हो ना तो माइनस वन बाहर आ जाता है, कैसे आता है माइनस वन बाहर, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, लॉग ऑफ 1/x को लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस वन तो माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हमारे आंसर से, ये एक अलग मुसीबत होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, सब्जेक्टिव में तो यहाँ तक लिख कर रख दो एग्जामिनर की बस की नहीं है नंबर काट देना, पूरे नंबर उसको देने ही पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंप्यूटर रीड करेगा, कोई बंदा तो है नहीं रीड करने वाला, राइट ऑप्शन मैच करेगा पक्का करेगा, 1 - x + y, 1 + x + y लास्ट ऑप्शन, तो बच्चों सीधा सीधा मैं एक बार नीचे जल्दी जल्दी हटा दे, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ आराम से देख लीजिए, PDF तो आपके साथ शेयर हो ही रही होगी, लेकिन मेरा सजेशन है आप अपने हैंडराइटिंग में नोट करिए, अपने हैंडराइटिंग में नोट करते हैं ना तो पता है क्या होता है, चीजें जल्दी दिमाग में जाती हैं, और एक और बड़ी अजीब सी चीज होती है वो सिली सी गलतियां होती है, जैसे 2 × 2 = 6 लिख देते हो कई बार, वो एक बार हो जाती है ना तो अपने आप पे हंसी आती है यार क्या कर दिया मैंने, वो जिंदगी में दोबारा नहीं होती, तो जैसे इम्यूनिटी वाले चक्कर होते हैं ना वायरस छोटा सा डालते हैं, पता है इम्यूनाइज कैसे करते हैं आपको पता होगा वायरस के बारे में, थोड़ा सा वायरस छोटा सा थोड़ा कम अमाउंट में डालते हैं ताकि एंटीबॉडीज फॉर्म होने लगते हैं और ताकि अगली बार जब असली का वायरस आए तो उनसे वो लड़ सके, तो वैसे थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग कैलकुलेशन एरर्स में काम करता है कि छोटी मोटी गलती इधर उधर होती रहती है ना घर में, तो फीडबैक इधर जाता है यार क्या यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए का, जब डेटा बढ़ता चला जाएगा ना तो गलतियां कम हो जाएंगी, और यकीन मानो ये स्ट्रेटजी काम करती है
अपने आप से अगर बोलोगे और कॉन्शियसली आप ट्राई करोगे गलतियां कम करने का, तो गलतियां कम हो जाती हैं। ये जोक, ये जस्ट लाइट ऐसी बात नहीं है। और लास्ट टाइम से मैंने बताया था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया था, मैंने बताया था कि मैंने परसेंटाइल स्कोर किया था कैट के एग्जाम में, और आपको पता है इतना परसेंटाइल स्कोर करने के लिए एरर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसी हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कर चुका हूँ ये, राइट, एक्चुअली कर चुका हूँ। तो काम करता है ये, बिलीव करना पड़ता है, अपने में बिलीव करने करना पड़ता है कि गलतियाँ कम कर सकते हो आप। फिर इधर उधर की जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है वर्चुअल वर्ल्ड की, उनको बिल्कुल जीरो, एक सेकेंड का भी स्कोप नहीं, जीरो करना पड़ता है, राइट। और ये लिख लिख के रिवाइज करना पड़ता है, तो गलतियाँ कम हो जाती हैं। हाँ, वो फिर अब जैसे अपना गार्ड डाउन करते हो वापस वो गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो खैर, लाइफ में हमेशा आईटी में जाओ तो कैलकुलेटर आपके हाथ में आएगा, यू डिड नॉट कैलकुलेट एवरीथिंग विथ योर ओन हैंड्स, तो अपने हाथ से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, उसमें तो कैलकुलेटर हाथ में आ रहा था। उसमें तो बात ये होती है कि भाई क्वेश्चन करके दिखा दो, कैलकुलेशन तो छोड़ो, कैलकुलेशन तो कंप्यूटर देख लेगा, आप आइडिया तो बताओ करेंगे कैसे, वो तो बताओ कि बस का आइडिया होता ना, तो बताओ, कैलकुलेशन की चिंता मत करो। अभी क्या होता है भाई, पता है हमें कोडिंग सेशन पता है कि ये टेंजेंट जाएगा, वहां टच करेगा, यहाँ कॉर्ड को आएगा, उसकी लेंथ वगैरह सब पता है, ऐसे होगा, वो करना एक भारी काम हो जाता है। वो नहीं होता बाद में, बाद में होता है समझ ही नहीं आता कि पूछ क्या रहे हो आप, वो समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, राइट। तो प्रायोरिटीज लाइफ में बाद में चेंज हो जाती हैं, अभी की प्रायोरिटी आपके लिए कैलकुलेशन करना भी है, इसलिए कैलकुलेशन को अवॉइड मत किया करना, कम से कम एडमिशन होने तक, भगवान जाने एडमिशन कौन से डेट का होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमने देख ली, ठीक है बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देख ली। दूसरी फॉर्म होती है एक होमोजेनस फॉर्म, बहुत गंदा, मुझे तो पर्सनली बहुत गंदा लगता है, बहुत लंबा होता है और बोर्ड वाले बहुत पूछते हैं इसको। होमोजेनस, होमोजेनस में होता क्या है, चलो मैं क्वेश्चन से उधर ही समझा दूंगा, एक क्वेश्चन करके वही समझा देता हूँ। सेकेंड होता है होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस की छोटी सी पहले थ्योरी देख लेते हैं होमोजेनस में होता है। होमोजेनस में होता है बेसिकली है कि डीवाई बाय डीएक्स अलग करते हो, जो फंक्शन x, y का होता है वो एक्सप्रेस किया जा सके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y बाई x और x बाई, ये पूरा फंक्शन या तो y बाई x का फंक्शन में एक्सप्रेस किया जा सके या x बाई y के फंक्शन में एक्सप्रेस किया जा सके, तो हम बोल देंगे होमोजेनस है। और ऐसा अगर किया जा सकता है, ऐसा अगर किया जा सकता है बच्चों, तो आप एक चीज याद कर लो, अगर ऐसा किया जा सकता है, इफ दिस कैन बी डन, तो y by x को t मान लो या x by y को t मान लो, जो भी केस है, कोई एक याद कर लो, दूसरा होगा तो आप अपने आप फाइंड कर लेना। y by x को जब t मानोगे तो एक्चुअली आपने y को tx माना है, राइट, एक्चुअली आपने y को tx माना है। अगर आपने बच्चों y को tx माना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx जो कि हर बार इन्वॉल्व होगा ही क्वेश्चन में, वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा t plus x dt by dx, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये होमोजीनियस का मेन पार्ट है, इसको आप सीख लोगे ना तो होमोजेनस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हमने सीख लिया, अब हम होमोजेनस के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है दोस्तों, देखिए वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो नहीं पाएगा। हमें कैसे पता सर होमोजेनस है, नहीं पता, तो पहले वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा, तो हमारे दिमाग में आएगा ना फिर कि होमोजेनस ट्राई करो। होमोजेनस ट्राई करने का बिल्कुल राइट एनवायरनमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स वाई डी वाई, बाकी को उधर भेज दिया आपने, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या बना डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के एक्सप्रेशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के एक्सप्रेशन है, क्या वो वाई बाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जरा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ना, जरा ऐसा करिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये वाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन ओवर टू वाई, अगर हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ना। अब हमें पता है क्या करना चाहिए, अब हमें वाई बाई एक्स को टी मान लेना चाहिए, कैलकुलेशन देखो होती है थोड़ी सी इसमें, इसलिए होमोजेनस किसी को पसंद नहीं आता। वाई बाई एक्स को टी मानना चाहिए, वाई बाई एक्स को टी मानोगे तो रेदर वाई इज इक्वल टू टी एक्स मानोगे। चलो एक बार और लिख कर देख लेते हैं, वैसे तो याद होगा तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए, अभी अभी आपको करके दिखाया था और आप पहले से भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप पहले से नहीं जानते, अभी भी करके दिखाया था और पहले से भी आप इस बात को जानते रहे होंगे, ठीक है बच्चों।
चलिए इसको रिप्लेस करते हैं, डिवाइड इसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन बाई। तो आप सोच रहे होंगे होमोजेनस का क्या फायदा, होमोजेनस से आखिरी में आंसर कैसे आएगा, आपको याद है इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जरा गौर करिए बच्चों पीछे आपने पढ़ा होगा ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक तरीका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, बाकी तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन बाई पार्ट्स वगैरह वगैरह। तो आपने कभी गौर किया कि सारे तरीके फॉर्मूला मेथड में कन्वर्ट करने के रास्ते हैं और एकमात्र मेथड फॉर्मूला मेथड ही होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कैसे कोई भी क्या करेगा, इसके बाद टी को उस साइड भेजेगा, टी स्क्वायर माइनस टू टी को भेजेगा कोई भी, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू टी स्क्वायर, तो और सिंप्लीफाई करके बच्चों और इधर ला के इधर क्या बन जा रहा है टू टी, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, टी टू वन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कैलकुलेशन तो स्किप कर ही सकते हैं ना, माइनस टी स्क्वायर माइनस वन दिख रहा है माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर प्लस वन आ गया, माइनस उधर लेने दिया बाकी उधर भेज दिया, ये अपने आप कर लो, देखने की जरूरत नहीं मेरे क्या विषय, दस सेकंड रुक जाता हूँ देख लो क्या आगे डाउट है, ठीक है तो समझ आ गया होगा, खुद ही से अपने पेन चला के अपने कर लिया होगा, अब हमें स्टेज थोड़ी बैठे हैं बच्चों कैलकुलेशन समझते रहे क्या हुआ है कैलकुलेशन, अब हमें इंटीग्रेट तो भाई करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे एक तो रास्ता है बेसिक से इंटीग्रेट हो, एक मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा, पहले बेसिक से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या होगा लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी प्लस, जो मुझे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लिखना है ना सी, उसको मैं सी लिखना छोड़ के लॉग के क्यों ना लिख दू, जो मुझे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी लिखना है उसको मैं सी को लॉग के क्यों ना लिख दू, क्योंकि सी एक आर्बिट्री नंबर है तो लॉग के भी कोई आर्बिट्री नंबर है, ठीक है तो जरा सिंप्लीफाई करिए बच्चों आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, तो मैं जो आपको शॉर्टकट बोल रहा था ना मैं ये बोल रहा था, ध्यान से देखिएगा समझ आया तो ठीक है, तो बेसिक से जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया आप तो कर ही सकते हो, शॉर्टकट अगर आप अप्लाई कर सकते हैं ये होता है बच्चों कि एफ डैश वाई ओवर एफ वाई डी वाई लेफ्ट साइड हो, एम के साथ जी डैश एक्स ओवर जी एक्स डी एक्स की तरह, बच्चों जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एफ वाई जो होता है वो होता है के जी एक्स, अगर आप ये समझ सकते हैं जो मैंने ऑरेंज पे लेफ्ट साइड में लिखा है बहुत अच्छी बात है, डेरिवेशन कैसी है एफ वाई को टी मान लो जी एक्स को जेड मान लो आराम से डिराइव हो जाएगा, और वही लॉग्स जो प्लस सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना उसकी जगह लॉग के लिखते हो, राइट, तो अगर आपको समझने में दिक्कत हुई ना मैंने ऑरेंज से फटाफट क्या लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप इसको इग्नोर करिए और जो हमने बेसिक से किया है ना उस पर फोकस करिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अब हम टी को बैक रिप्लेस कर देते हैं, हम टी को बैक रिप्लेस कर देते हैं, टी था क्या वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, टी को बैक रिप्लेस कर देते हैं भाई, अब के आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो के फाइंड कर सकने के लिए कुछ दिया होगा क्या, या हमारा आंसर हो सकता है इसी तरह, हाँ दिया है शुक्र है, वन कमा वन फंक्शन वन कमा वन से पास करता है, मतलब एक्स की वैल्यू वन डालेंगे ना तो y भी बनेगा, फंक्शन हो या रिलेशन जो भी एक्सप्रेशन हो 1,1 उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है, तो 1,1 अगर सेटिस्फाई करेगा बच्चों इसको तो 1+1 इज इक्वल टू k बाई 1, इसका मतलब k की वैल्यू 2 है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो रहा है 1+y² बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x, सिंप्लीफाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है और जिसका रेडियस भी 1 है, सही ऑप्शन चुन के मार्क कर दीजिए, राइट तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से देख लो एक बार क्या किया हमने, तो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में नहीं हो रहा था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया होमोजेनस की फॉर्म में, होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट किया वाईबैक्स के फॉर्म में, वाईबैक्स को टी माने, आगे का रास्ता जो है ना वो वेरिएबल सेपरेबल से ही निकल गया, हाँ चलते फिरते हमने एक शॉर्टकट जरूर देखा है यहाँ पर जो लेफ्ट में ऑरेंज से लिखा हुआ है, शॉर्टकट दिखा, अगर आप इस शॉर्टकट को एब्जॉर्ब कर सकते हो
तो अच्छी बात है, नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतना भी खास देखने की। अगर टीचर्स ने पढ़ाया हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लो ना यार। इंटीग्रेशन कौन सी बड़ी बात है, स्कूल लेवल का इंटीग्रेशन कर लिया तो ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा मेन्स इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज डन, आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया और हमें सही ऑप्शन मार्क करेंगे। सी ऑप्शन कहाँ गया, सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। एमसी साइड पर बोला तो नहीं है, सर्कल है इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, 1.0 कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पे, राइट। जरा आप सोच के देखें कि जो सर्कल हमने फाइंड किया है ना उसकी और क्या क्या खास बातें हैं। सर्कल पढ़ा भी था हमने लास्ट टाइम, तो उसकी हिसाब से सोचना है कि सर्कल में और क्या खास, और क्या खास है उस सर्कल में जो सर्कल अभी आपने फाइंड किया। होमोजीनियस सर इतना समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन करा दो, कर लेते हैं। हमें कैसे पता होमोजीनियस है, कैसी बात कर रहा है, इतना ज्यादा बहाना ढूंढ रहा है एक्स वाई के नीचे जाने का, उसके तमन्ना को, उसकी तमन्ना को पूरा नहीं करोगे आप, लग ही रहा है कि ये मरा जा रहा है एक्स, कि मुझे वाई से डिवाइड कर ही दो। कैसे पता मरा जा रहा है यार, लॉग की प्रॉपर्टी में भी हो रहा है और उधर भी एक्स पड़ा हुआ है, तो साफ साफ इशारा एग्जामिनर का भैया कि ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो y बाई एक्स को आप t लिख दीजिए, मतलब y को टी एक्स लिख दीजिए। चलिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक और बार बता देता हूँ कि dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स टी डी वाई डी एक्स। रिप्लेस करती है बच्चों, ये कैसी फॉर्म बन जाएगी, बन जाएगी t प्लस एक्स टी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी लॉग टी प्लस प्लस की बॉट होती है ना, टी टी आपस में कैंसिल हो गए, डी टी बाई टी लॉग टी एक साइड आ गया। वेरिएबल सेटर ने आपको बोला ही था कि जो होमोजीनियस होता है, जो होमोजीनियस होता है उसके आखिरी में वेरिएबल सेपरेबल से ही रास्ता निकलता है, तो ये तो फ्रॉड कह रहे हो सर आप, सारा तो वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल है, सारा वेरिएबल सेपरेबल, सारा वेरिएबल सेपरेबल है, बाकी सारे तरीके हैं वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने, बोलना आसान है करना मुश्किल है, तो सारे तरीकों को इसे सीख कर याद कर लेते हैं। चलिए कंक्लूजन में लेकर जाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक कोशिश करिए आप, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड में दिखाया था ना ऑरेंज में शॉर्टकट था, अगर वो आप अप्लाई कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर जो बच्चा अप्लाई कर सकते हो शॉर्टकट को, उसके लिए मैं हिंट देता हूँ, जो बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता उसके लिए प्रॉपर्टी सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। जो बच्चा अप्लाई कर सकता है उसके लिए हिंट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका एफ ओ वाई या एफ ऑफ टी होगा वो लॉग टी हो जाएगा और एफ डैश टी 1/t हो जाएगा। बच्चों जी ऑफ एक्स सिंपल एक्स है और जो m है आपका वो 1 है। अगर आप इन बातों को समझ के डायरेक्टली रिजल्ट लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते तो कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे ना, इसे इंटीग्रेट तो कर ही होगी। log t को z मान लो तो dz / z बन गया, log log z log log of z बन गया, तो log log। और आपको पता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस में जो इतने सारे log हैं तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को सी मानने के बजाय लॉग के मान लो यार, लॉग आपको याद है लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, तो लॉग के आउटपुट में सारा रियल, सारी रियल वैल्यूज आती है, तो अगर सी कोई भी आर्बिट्री नंबर है तो लॉग के भी कोई आर्बिट्री नंबर हो सकता है, क्योंकि लॉग के का जो आउटपुट है ना वो पूरा का पूरा वर्टिकल स्पैन है, राइट। इफ सी इज एन आर्बिट्री नंबर, लॉग के कैन रिप्लेस दैट आर्बिट्री नंबर बाय इटसेल्फ बीइंग एन आर्बिट्री नंबर। तो लॉग की अगेन प्रॉपर्टी लगा के लॉग टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स, जिन बच्चों ने शॉर्टकट लेफ्ट वाला लगाया वो उनको थे पहले आ गया, कोई बात नहीं लगाओ नहीं लगाओ आंसर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा यहाँ, तो आंसर लिखने का टाइम आ गया ना, आंसर यहाँ से ई से मैच कर रहा है कि हमारा टी की जगह वाई बाई एक्स आ जाएगा, के लिखो सी लिखो क्या फर्क पड़ता है, टी की जगह वाई बाई एक्स आ जाएगा, तो आंसर तो मुझे तो दिख गया। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, मे बी स्लाइड एरर्स हो तो आपको मेन आइडियाज पे फोकस करना, आइडियाज क्लियर है तो कैलकुलेशन तो आप मेरे से बेटर और मेरे से जल्दी कर ही सकते हो, एज आपकी ऐसी है और जरूरत आपकी ऐसी है, जरूरत आदमी से क्या क्या नहीं करवा देती है। सर हो गया क्या मेथड्स सारे, एक और इंपॉर्टेंट मेथड बचता है बच्चों, वो होता है लीनियर डिफरेंशियल। अपने इसके काफी पार्ट्स होते हैं जो हमें एडवांस में पढ़ने चाहिए, मेंस के हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेंस में सिर्फ दो से ही काम हो जाता है, तो मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ, अगर एक ही लिखूंगा दूसरा तो अपने आप ही वहां से पैटर्न कॉपी कर सकते हैं बच्चों आप। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू,
तो आप जानते होंगे, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि जो प्योर क्यू है ना बच्चों, वो खुद वाई के फंक्शन है या कॉन्स्टेंट है, मतलब प्योर क्यू का एक्स इक्वल रहना देना, नहीं सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, पी और क्यू ना एक्स के फंक्शन है या कॉन्स्टेंट है, पी और क्यू सिर्फ एक्स के फंक्शन है या कॉन्स्टेंट है, उनका वाई से कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एक अजीब सा, अब ये पूछना मत कैसे है, इसकी डेरिवेशन लंबी जो हम इस शॉर्ट क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकते, प्रॉपर मिले होते तो डिस्कस करते, अभी जरूरत नहीं है और टाइम है नहीं हमारे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका, जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चों वो भी रेडीमेड होता है, याद कर लो ये y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू राइट साइड में दो चीजों का प्रोडक्ट, राइट साइड में बच्चों दो चीजों का प्रोडक्ट, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक क्यू, और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तो यार आएगा ही है, अच्छे से इस बात को डाइजेस्ट कर लीजिए, जो आई एम श्योर आपने बोर्ड में तो इसके जलवे दिखाई ही होंगे, इस फॉर्मूले को सीखा होगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बोर्ड में किए ही होंगे, दो आई डोंट रिमेम्बर कि सर बोर्ड में क्या आया था, लेकिन घूम फिर के प्रीवियस ईयर तो करके गई होगी एग्जाम के पहले। तो ये एक्सप्रेशन है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डीवाई बाई डीएक्स में ही बातें हो, बातें डीएक्स बाई डीवाई में भी हो सकती है। तो बात अगर dx पर dy में होगी ना बच्चों तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो p प्राइम q प्राइम इस बार x पे डिपेंड नहीं होंगे, या तो y के फंक्शंस होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, p प्राइम q प्राइम इस बार x पे डिपेंड नहीं होंगे बच्चों, या तो y के फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट होंगे। अगर ऐसा सिनेरियो इनकाउंटर होता है हमें, तो आप इसमें भी नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, वो था एक ही बार इंटीग्रल p प्राइम dy, माइंड इट प्लीज dy, और जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चों वो बस रिप्लेस कर देना है x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में दो चीजों का प्रोडक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q dy और पूरे का इंटीग्रल। अच्छे से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे बच्चों पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए, अभी हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, फॉर्मूले से तो आप डेफिनेटली अवेयर होंगे, हम इसके एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी करेंगे जो सीधे सीधे अप्लाई नहीं हो पाते, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं अप्लाई होना। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब हमें कैसे पता सर कि लीनियर का क्वेश्चन है, वेरिएबल से प्रोबेबल करके देखो नहीं हो पाएगा, होमोजीनियस नहीं है करके देख लीजिए, होमोजीनियस के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप इसे, तो लीनियर ही बचाना, तो ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है, इधर उधर करके आप भी पता कर ही लेता है, मतलब पता कर ही लेता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा ये सोचकर कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको पहले रीअरेंज करेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा होगा ना उधर लीनियर में, कि आपको जो एक्सप्रेशन था जो मैंने आपको दिखाया था एक बार देख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस मैंने आपको याद कराए, जिस जो फॉर्मूले आपको याद कराए उसमें डीवाई बाई डीएक्स का क्वेश्चन हमेशा वन है, डीवाई बाई डीएक्स का क्वेश्चन वन है ऑरेंज वाले में, और ब्लू वाले में डीएक्स बाई डीवाई का क्वेश्चन वन है, राइट। इसका मतलब जो फॉर्मूले आप लगाओगे ना उस फॉर्मूले की वैलिडिटी के लिए, उस फॉर्मूले की वैलिडिटी के लिए ये टेम्पलेट बहुत जरूरी है कि डीवाई बाई डीएक्स के बगल में कुछ भी ना हो, तो जो भी है उसे डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड कर दिया बच्चों तो 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x हो गया। अब आप टेम्पलेट पे बिल्कुल बिठा सकते हैं ना, आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा आपको नजर आ रहा होगा ना कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू, नजर आ रहा है ना, जहां p क्या है, ये 2 अपॉन x, जहां p क्या है 2 अपॉन x। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल 2 बाई एक्स डी एक्स, जिसको मैं शॉर्ट में एक बार में अगर एक्सपर्ट बोलने की कोशिश करूँ तो आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को समझ में आ गया हो, जिन कुछ लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए अगर हम डिटेल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें तो ये बनेगा डिटेल सॉल्यूशन, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके 2 को पावर में भेज दिया। अब यार इतना तो आप जानते हो गए ना बच्चों, इतना तो जानते हो गए ई लॉग ई जो नंबर होता है ना एज इट इज कॉपी हो जाता है, सिर्फ ई नहीं अगर कोई बेस ए भी है ना, कोई बेस अगर ए भी है ना तो ए के ऊपर लॉग और बेस सेम है तो एक्स कॉपी हो जाता है। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी यार, बचपन बीत गया तो बहुत टाइम बहुत महीने हो गए इस बात को आपको पढ़े। चलिए इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया, हमारा सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन हमने याद किया था ना, हमारा सॉल्यूशन क्या था,
तो क्या आ रहा है फाइनली बच्चों, y into x square is equal to x 4 by 4 plus, ठीक है। अब y of 1 1 है, x की वैल्यू 1 डालने पे y 1 है, x की वैल्यू 1 डालने पर x की पावर 4 by 4 plus, x की वैल्यू 1 डालने पे y भी 1 है। तो चलिए इसे यूज कर लेते हैं c फाइंड करने के लिए। तो 1 is equal to 1 by 4 plus c, तो c की साफ साफ वैल्यू 3/4, c की साफ साफ वैल्यू बच्चों 3/4, ठीक है। तो यहां से जरा x square को डिवाइड करो, x square को सही जगह पर लेकर जाओ, x square से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनता है, y is equal to x square by 4 plus c by x square, और c क्या है 3/4, ऐसे मैच कर रहे हैं क्या, करना ही पड़ेगा उसको, इतने कॉन्फिडेंस से जब सॉल्व किया आपने। तो ली बहुत आपको लग रहा है मैकेनिकल से काफी कुछ है, बहुत इसमें कुछ लर्निंग नहीं है इस चैप्टर में, मैकेनिकल है, ऐसा करोती होगा ऐसा करोती होगा, लर्निंग वाला चैप्टर, इसे वेक्टर में काफी लर्निंग है, 3D में लर्निंग है, इसे लर्निंग वाला कुछ खास नहीं है, मेमोराइजेशन है, सिर्फ मेमोराइज करो, सिंपल सिंपल फॉर्म ले अप्लाई करो, काम खत्म, इतना ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन हमारे सामने, हमें तो नहीं पता तीनों में से किसका क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस या लीनियर। तो वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करो, करके देखो, नहीं कर पाओगे आप, होमोजेनियस भी नहीं दिख रहा। होमोजेनियस के लिए डीवाई बाई डीएक्स को अलग करो तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में सब कुछ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिख पाएगा, पावर भी अलग अलग ऊपर नीचे नजर आ रही है, अजीब सी वाई स्क्वायर है, फिर एक्स है, वन बाई वाई है, तो होमोजेनियस तो नहीं दिख रहा, तो लीनियर ही हो सकता है ना। तो अगर लीनियर हो सकता है बच्चों, तो पहले इसको डीवाई बाई डीएक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखते हैं कि बनता कैसा है, फिर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या बोलते हैं, y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 बाय y dy इज इक्वल टू 0, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो dy को उधर लिख जाते हैं, y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाय y माइनस x, तो dy by dx is equal to, dx इधर रह गया, वो बाकी नीचे चला जाएगा, y square by 1 minus x square, y square by 1 minus v x square, ठीक है। सो आप देखिए कोशिश करते हैं, यहां से dy 1 minus x y और y नीचे चला गया, ठीक है। तो यहां से तो कुछ स्प्लिट हो नहीं रहा, यहां से तो कुछ स्प्लिट हो नहीं रहा, तो हाथ खड़े करने के पहले एक बार dx by dy भी देख लेते हैं, ये बोलने के पहले कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, एक बार dy by dx भी देख लेते हैं। आई होप कि कैलकुलेशन की गलती नहीं हुई, x minus 1 by y dy, 1 by y minus x, 1 minus x by नीचे y ऊपर, ठीक है, सिर्फ राइट। चलिए देख लेंगे दोबारा कोई प्रॉब्लम हुई तो, dx by dy देखते हैं, dx by dy क्या आता है, फिर कंक्लूड करेंगे क्या करना चाहिए। dx by dy मैंने सेक्स वाई बाई इसके बाद तोड़ते हैं, तो dx by dy is equal to 1 by y cube minus x by y square, तो जरा सिंप्लीफाई करिएगा बच्चों, जरा सिंप्लीफाई करिएगा, तो dx by dy plus 1 by y square into x is equal to 1 by y, कुछ दिखा होगा ना आपको। देखो हमें कैसे पता चला कि सर dy by dx करना है dx by dy करना है, एक तो तरीका है कि पहले dy by dx ट्राई करिए, नहीं काम होता तो हाथ खड़े करने के पहले ये बोलने के पहले कि I cannot do this question, but dx by dy पलट के जरूर देखिए, क्या पता उससे काम हो जाए। एक और तरीका होता है, मैं अभी सब दिखाऊंगा आपको, एक और तरीका होता है एग्निफाई करने का, dx by dy करना चाहिए dy by dx करना चाहिए, वो बताऊंगा अभी आपको, पहले इसको देख लो, कुछ खास पता नहीं चला था तो उल्टा करके देखा, तो लग रहा है काम बन गया, कैसे पता है काम बन गया यार, भूल गया क्या, कैसे भूल गया, अभी देखो ब्लू में जो लिखा है नीचे, ब्लू पे जो लिखा है नीचे खुद कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो है, ब्लू पे जो लिखा है नीचे बस उसी को अप्लाई करना है, कोई खास बड़ा काम तो करना नहीं है, राइट बच्चों।
तो आप कर लीजिएगा, ब्लू में जो एक्सप्रेशन लिखा है बिल्कुल इसी फॉर्म में फिट आ गया। बस फॉर्मूले फॉर्मूले डालने हैं, दिमाग बिल्कुल बीच में नहीं लगाना, सिंपल सा काम है, वो आप अपने आप से कर लेंगे। तो मैं इसमें टाइम नहीं लगाता हूँ आपका, राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको देखिए, अगेन देखो, पावर अलग अलग है तो होमोजेनस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी होता हुआ नहीं दिख रहा, तो लीनियर ट्राई करते हैं। लीनियर ट्राई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, डीवाई डी एक्स होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तोड़ दो माइनस के बाद तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब जो हमने लीनियर का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, फिर हमने लीनियर का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें राइट साइड में वाई नहीं होना चाहिए, राइट साइड में याद है राइट साइड में सिर्फ जो क्यू था वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, अगर डीवाई बाई डीएक्स में आप बात कर रहे हो तो, अगर आप डीवाई बाई डीएक्स में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, इसका मतलब वाई उधर बिलोंग नहीं करता, वाई को हटाएंगे, वाई को आप हटाएंगे उधर से तो वाई स्क्वायर, मतलब ये रीअरेंजमेंट पहले भी आ सकता था, वाई से मल्टीप्लाई किया, ये रीअरेंजमेंट पहले भी आ सकता था, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमें तो नहीं पता ना ये होगा नहीं होगा, तो इसको बेसिक से सॉल्व करें, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा कुछ आ गया। अब यार थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार लगाना पड़ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों आप, अगर आप वाई स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस, अगर वाई स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे बच्चों वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं एक बार में वन बाई टू इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख दूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी बच्चा सरप्राइज हो जाएगा कि सबने क्या कर दिया। तो ऐसा रिप्लेस जब करेंगे आप वन बाई टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन बाई टू टी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस टू बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपको टेम्पलेट बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, किसका टेम्पलेट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टेम्पलेट फॉर्म होता है दिख गया होगा ना, कौन सा टेम्पलेट सर, ये वाला जो नहीं सीखा था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर चीजें इस टेम्पलेट फॉर्म में आ जाएंगी जो कि आ चुकी हैं इसके ऊपर वाले स्टेप में, तो कोई भी चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए नहीं रहता, आपने पहले भी पढ़ाई कर रखी है और इसी क्लास में अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया भी आपको कि कैसे वो मैनेज हो सकता है, राइट। इसके बाद में फर्दर नहीं सॉल्व करा, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल इजी स्टेप से, लेकिन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, राइट, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और ऑप्शन जो सही है उसको कमेंट्स में बिल्कुल डालिएगा, कमेंट में डालिएगा कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका सही है, क्वेश्चन नंबर के साथ, राइट, क्वेश्चन नंबर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर अब कैसे पता चलेगा, कमेंट्स आने के लिए मैंने बोला ना, तो इसको वन बोल, इसको वन बोल देते हैं, वो नंबर ऊपर से गिनना पड़ेगा, कौन ऊपर से गिने नंबर, इसे काउंट कर लेते हैं नंबर्स, अगर काउंट करना है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन, सही नंबर दे देते हैं सेवन। तो सेवन्थ क्वेश्चन नंबर लेकर ऑप्शन डालिएगा इसमें कमेंट्स में कि क्या आपका सही है। एक और लीनियर का बड़ा शानदार क्वेश्चन, और बोर्ड की चीटिंग की आदत तो होती है, बोर्ड में भी क्वेश्चन यही पूछ सेम ऑलमोस्ट यही सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 के पेपर में, 2016 बोर्ड के पेपर में देखोगे तो पूछा जाएगा, मुझे प्रिसाइसली ईयर कैसे आ रहे हैं बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं मेरे अकॉर्डिंगली, तो 2015-2016 में 2015-2016 में अचानक से बोर्ड का पेपर काफ़ी अच्छा खासा आया था, मतलब जनरली अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड की तैयारी करे ना तो उसकी हालत तो खराब हो जाएगी, उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन फिर हुआ क्या था उन्होंने कि जिसने 70-80 का अटेम्प्ट किया उसको 95-96 दे रहे हैं, अजीब सा नॉर्मलाइज कर दे रहे थे, उसके बाद से 2017 ऑनवर्ड्स टीचर्स ने किया कि भाई एनसीईआरटी में इतना मुश्किल रखते तो नहीं हो, पढ़ाने भी नहीं देते हो क्लास में, पूछ लेते हो मुश्किल, ऐसे तो इज्जत ही नहीं रहेगी हमारी, या तो पढ़ाने दो हमें, हमें भी आते हैं पढ़ाने दो हमें, नहीं तो पूछो मत इतना मुश्किल। फिर बोर्ड ने डिसाइड किया कि पूछेंगे वो आसान नॉर्मल पूछेंगे, एनसीईआरटी टाइप का पूछेंगे, लेकिन चेकिंग मुश्किल था, इसलिए आप देख रहे हो कि बोर्ड में कुछ बहुत जेई टाइप के क्वेश्चन सब नहीं आते बीच में, 2015-2016 में तो मतलब क्वेश्चन ऐसे आते पलट पलट के देखना पड़ेगा, होगा बच्चों को ये
बोर्ड है ना, पिंचर ही लिखना पड़ा होगा, सही में सपना तो नहीं देख रहे, सही में एक्चुअली बोर्ड में बैठे हुए, हालत तो खराब हुई होगी उनको, लेकिन नंबर सबके ठीक ही आ गए थे, इसलिए मुझे ये याद है 2016 का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अरे बकवास इतनी क्यों करो इस क्लास में, क्योंकि बहुत बहुत मैकेनिकल सा चैप्टर है, कुछ खास है नहीं इसमें, कुछ लर्निंग सी नहीं है इसमें, बस है ऐसा है तो ऐसा पुट करो, ऐसा है तो ऐसा पुट करो, कुछ सीखने को खास होता नहीं, बस कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर दो ना कि ऐसा है तो ऐसा करो, तो कंप्यूटर भी शायद इसको सॉल्व कर दे, ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम ही है। एक पिछले क्वेश्चन में थी जैसे वाइस कोर टीम आना था, अदरवाइज तो कुछ खास नहीं दिखता। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस अभी थोड़ी देर पहले किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिवाइड बाय डीएक्स और डीएक्स पे डिवाइड डिसाइड करते हैं। एक तो तरीका सिंपल सा क्रूड सा तरीका है कि होता नहीं डिवाइड बाय डीएक्स में, तो हाथ खड़े करने के पहले डीएक्स पे डिवाइड ट्राई कर ही लीजिए, तो बड़ा क्रूड सा हो गया ना, कोई सोफिस्टिकेटेड तरीका भी तो होगा सुनने में जो अच्छा लगेगा। ये एक तरीका है, यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, जो मुश्किल टर्म है, वो आप चाहते हो कि न्यूमरेटर में हो, जो डिफिकल्ट टर्म है आप चाहते हैं बच्चों कि वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो, राइट? क्योंकि नीचे अगर भारी भरकम सामान हुआ ना तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, भारी भरकम सामान न्यूमरेटर में हुआ तो स्प्लिट वगैरह करके उसको हैंडल करना फिर भी मैनेजेबल होता है। तो सबसे खतरनाक सी टर्म कौन सी दिख रही है आपको? सबसे खतरनाक सी टर्म ये है, तो ये नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं दोनों। तो अगर आप ऐसे ही रहने दोगे बच्चों इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 + y² / e^10 - y - x। ऑब्वियसली हम ये भारी भरकम जो एक्सप्रेशन है उसको नीचे नहीं देखना चाहते, तो हम चीज़ों को पलट देंगे। चीज़ों को जब पलट देंगे मेरे बच्चों, तो dx/dy = e^10 - y - x / 1 + y² आ जाएगा। ऑब्वियसली स्प्लिट करेंगे इस माइनस के अबाउट और ये रेंज करके क्या दिख जाएगा, dx/dy + 1/(1 + y²) (x) = e^10 - y / 1 + y². अब इसको आखिरी तो सॉल्व करूँगा, सिर्फ रीजन है मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, पर नॉट एब्सोल्युटली लास्ट टाइम, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट क्लिक जाऊंगा। तो एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका लीनियर के टेम्पलेट में तैयार हो गया। लीनियर कौन सा, डीवाई बाई डीएक्स में नहीं, डीएक्स बाई डीवाई, लीनियर इन डीएक्स बाई डीवाई, जो हमने पहले पेज पे लास्ट चीज लिखी थी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो भैया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e^(1/(1 + y² - e^10 - y), आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आपका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो होगा x × इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होता ही होता है और एक क्यू भी होता है, राइट? अब जिस बच्चे के मन में टेन इनवर्स वाई को जेड मानने का विचार आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, बहुत गलत बात है बच्चों। मेंस वगैरह में अच्छा कर भी लोगे लेकिन एडवांस में दिक्कत हो सकती है आपको, बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। इतना सारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद, स्कूल लेवल का पढ़ लिया, मेंस वाला पढ़ा, एडवांस के लिए पढ़ाई होगा आपने, इतना सारा पढ़ने के बाद ये तो नहीं बनता है कि आप बोलो टेन इनवर्स वाई को जेड मानने से हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन आप प्रोफेशनल की तरह बात करिए ना, आप e^10 - y को जेड क्यों नहीं मानते? e^10 - y को जेड मानिए ना, उसे होगा क्या, ये e^10 - y को आपने जेड माना तो ये जेड कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं। टेन वर्स वाई को भी जेड मानने से भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना। ठीक भाई, इसकी बात है कि कितनी जल्दी आप ग्रैस्प कर पाते चीजों, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड से जितना अलूफ रहेंगे ना बच्चों, तो ये चीज़ें दिमाग में फिट होना ज़्यादा आसान है। जितना वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे रहेंगे ना, इन चीज़ों का दिमाग में एब्जॉर्ब होना मुश्किल है। समझ तो आ जाएगा, दिमाग तेज है भगवान की दया से, आपका दिमाग की तेज समझ तो आ जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब रिटेन नहीं कर पाओगे, खुद यूज़ नहीं कर पाओगे सही समय आएगा। बात सुनने में अजीब सी लगती है कि सर कौन इतनी पढ़ाई करता होगा, निकाल लीजिए ना प्रोबेबिलिटी, 10 लाख लोग आप में से एग्जाम देंगे और कितने लोगों का डिसेंट रैंक आएगा, कितने लोग ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो बच्चों कुछ पिछले कुछ अभी तो बंद पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लगातार 2-3 साल ना वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे, एक बार वर्ड प्रॉब्लम के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर हमारे टाइम पे आ गया ना तो कैसे हैंडल किया जाएगा इसको। ठीक है, तो एक बार देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एट प्रेजेंट एक फर्म है जिसमें 2000 आइटम्स मैनुफैक्चर हो रहे हैं, ये एस्टिमेट किया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन एडिशनल नंबर्स के साथ ऐसे बढ़ेगा। प्रोडक्शन का जो रेट है ना वो बता दिया आपको, प्रोडक्शन की
कि इंक्रीज करें बता दे, जहां पर x एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर, ध्यान रखिएगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्कर नहीं, एडिशनल जो नए वर्कर्स ऐड होगी वो है x। तो अगर पुराने वर्कर्स से ही आप काम कर रहे हो तो x जीरो है, एडिशनल वर्कर कोई नहीं है, राइट। अगर पुराने स्टाफ के साथ ही आप काम कर रहे हो तो एडिशनल वर्कर कोई भी नहीं है तो x जीरो हो जाएगा, समझ लीजिएगा इस बात को पहले। अब बोल रहा है कि फर्म 25 वर्कर और इंप्लॉय करता है तो नया लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताइए, राइट। तो पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबल सेपरेबल वाला केस, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों वेरिएबल सेपरेबल वाला केस है। अब अगर ये वेरिएबल सेपरेबल वाला केस है तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ठीक है। अब लिमिट की है, इसमें लिमिट ध्यान से डालेंगे बच्चों आप। देखिए पहले एट प्रेजेंट जब कोई भी एडिशनल वर्कर नहीं, ध्यान से समझिए, जब एडिशनल वर्कर जीरो है तो जो प्रोडक्शन है वो आपका 2000 है, जब एडिशनल वर्कर 25 है तो प्रोडक्शन आपका अननोन है, वो आपसे पूछा गया है। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, यहीं पे फंसे थे जो लोग फंसे थे, अगर बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में तो किसी को परेशानी हुई नहीं होगी इस क्वेश्चन में। बच्चों मेरे आप तो फंसेंगे नहीं ना, आप तो फंसेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि जब x 0 है तो p 2000 है, x 25 है तो p पता नहीं क्या है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट डालेंगे तो p माइनस 2000 लेफ्ट साइड में आएगा, कैसे आएगा वो बताने की जरूरत नहीं आपको, इतना सिंपल, आपके इंटेलिजेंस की तोहीन नहीं करूंगा मैं। तो 100x माइनस 12 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट डाली जाएगी 0 से 25। तो बच्चों p माइनस 2000 राइट साइड को संभालते हैं, ये 2500 माइनस 8 इंटू 125 1500 1500 ऐड हो जाएगा तो 3500 हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। इन वर्ड प्रॉब्लम से फैमिलिटी बढ़ाना जरूरी, क्या पता ट्रेंड वापस से इन्होंने शुरू कर दिया तो हम सरप्राइज तो नहीं होंगे ना एग्जाम में। और देखिए क्या वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम गाइड करते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना अपने आप से। आई परचेज वैल्यू इक्विपमेंट का, पहले 5-10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आई परचेज वैल्यू इक्विपमेंट का वी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है टी इयर्स के बाद, डेप्रिशिएशन का रेट बता दिया उन्होंने, कैपिटल टी टोटल लाइफ है, मतलब कैपिटल टी के बाद तो डेप्रिशिएट करके वी खत्म ही हो जाएगा, VT आपका जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, स्क्रैप वैल्यू मतलब कैपिटल टी पे पूछा है, स्क्रैप वैल्यू मतलब सारी जो लाइफ खत्म हो जाएगी ना, जो भी इसकी मशीन की लाइफ है वो खत्म होने के बाद VT क्या है, कैपिटल V क्या है वो पूछा था। स्क्रैप वैल्यू क्या मतलब है कि कैपिटल टी टाइम के बाद, कैपिटल टी टाइम के बाद कैपिटल V की क्या वैल्यू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिमिट सही से डालनी होगी, इंटीग्रेशन में तो कोई खास जान है नहीं बच्चों। तो आपके सामने क्वेश्चन है dV by dt is equal to, अगर माइनस को मैं अंदर लेकर चले जाऊं, ठीक है, तो dV dt को उधर ले जाइए, वेरिएबल सेपरेबल क्लियर कट, क्लियर कट वेरिएबल सेपरेबल। अब लिमिट डालनी है, ये बस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी खास है ही नहीं। तो इनिशियल वैल्यू, परचेज वैल्यू मतलब क्या, टाइम जीरो पे जो वैल्यू है, परचेज वैल्यू पर मतलब बच्चों टाइम जीरो पर जो वैल्यू, जब टाइम जीरो है तो एक्चुअली सामान की वैल्यू कैपिटल आई है, जब टाइम जीरो है तो सामान की वैल्यू कैपिटल आई है, और जब टाइम कैपिटल टी है मतलब उसकी मशीन लाइफ खत्म हो गई है तब उसकी वैल्यू बताइए। क्या बचा कैलकुलेशन, वी माइनस आई इज इक्वल टू के, तो बाहर रह जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, लिमिट डालनी है जीरो से टी, बाकी काम आप अपने आप से फटाफट कर सकते हैं। बाकी कोई चैलेंज खास रहता नहीं इन क्वेश्चंस। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं।
फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना वर्बली बता देता हूं कि जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ना उतनी बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट एन टाइम्स इफ एन इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का क्या लोचा है वो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कि मान लो C1 प्लस C2 लिखा है तो इसको C लिख दो सीधा, एक ही डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दो नहीं है। जैसे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 लिख दो, कुछ लिखते चले जाओ, कोई अंत ही नहीं है इसका। तो जितने अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उतनी बार डिफ्रेंशिएट करो और एलिमिनेट देम, एलिमिनेट यूजिंग एन प्लस वन इक्वेशंस। अब भाई n बार तो हमने डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशन तो समझ में आ रही है कहां से आई, प्लस वन कहां से आ गया। अरे जो दिया हुआ है वो जो दे रखा है वो भी तो एक इक्वेशन है, जो दे रखा वो एक इक्वेशन है। n बार आपने डिफरेंशिएट किया होगा तो एक जो दे रखा है वो है, n बार आपने डिफरेंशिएट किया तो n डिफरेंशियल इक्वेशन n इक्वेशंस वहां से आ गई, एक पहले के दे रखी है n प्लस वन इक्वेशन आ गई, उनकी मदद से n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को आप एलिमिनेट करेंगे। तो मेरे बच्चों अगर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है आपको तीन इक्वेशन चाहिए होंगे, तीन आर्बिट्री क्वेश्चन है तो आपको चार इक्वेशन चाहिए होंगे एलिमिनेट करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए तो उतनी चाहिए होती। जैसे अगर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है और दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है तो दो ही इक्वेशन चाहिए, लेकिन दो आर्बिट्री क्वेश्चन है दोनों को रिमूव करना है तो तीन इक्वेशन चाहिए। लोकस में पढ़ा हुआ है ना, लोकस में पढ़ा है कि एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। चलिए यहां देख लेते हैं सॉल्व करके हम, थोड़ी बहुत अगर डाउट है आप, थोड़ा बहुत डाउट है आपके दिमाग में तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज आपको चाहिए जो कि फॉर्चुनेटली हमारे पास पहले से भी है और हमने लास्ट टाइम रिवीजन में भी फर्दर इसको ठीक ठाक जो भी रही सही कसर थी उसको पूरी कर लिया था। तो फैमिली ऑफ सर्कल जिसका रेडियस फिक्स है और इसका सेंटर y इक्वल टू 2 पर है तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो अल्फा कॉमा 2 माना जा सकता है ना। x कोऑर्डिनेट सेंटर का नहीं पता, y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 2 है। x कोऑर्डिनेट सेंटर का नहीं पता क्या है, y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 2 है। तो सर्कल की जो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और रेडियस 5 है। तो पहले तो आप ये देखिए कि कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मतलब जो देखो कॉन्स्टेंट तो यार 5 भी है, 5 का स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन अल्फा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, कोई सिर पर नहीं, कुछ भी हो सकता है। 5 तो 5 ही है ना, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है लेकिन फिक्स कॉन्स्टेंट है। तो फिक्स कॉन्स्टेंट और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में फर्क बच्चों को पता होना चाहिए। फिक्स कॉन्स्टेंट से कोई लोचा नहीं है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट से पंगा है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक है तो वी नीड वन प्लस वन इक्वेशंस, एक ज्यादा चाहिए होती है राइट। तो एक तो यार यही दे रखी है, एक तो जो इक्वेशन है बच्चों यही है, यही एक इक्वेशन है, दूसरी कहां से आएगी सर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ना। स्टेप में लिखा हुआ है ना कि n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो n बार डिफरेंशिएट करो फिर आगे की बात करो। तो एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम आगे की बात करेंगे। तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ट्वाइस x माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस y माइनस 2 इंटू वाई डैश, चेन रूल लगाने में तो एक्सपर्ट होंगे ही हम, 2 गया बता देते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब कोई बचा थोड़ी काम करने लायक, कैसे नहीं बचा सर, क्योंकि x माइनस अल्फा की जो वैल्यू है ना बच्चों वो माइनस ऑफ y माइनस 2 इंटू वाई डैश हो गई है। इसको अगर इस वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्यों, हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, हमें आर्बिट्री क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, तब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बच्चों ऊपर जितने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे थे किसी में आर्बिट्री क्वेश्चन था नहीं था ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तब फॉर्म होती है जब आर्बिट्री क्वेश्चन नहीं होता है। तो भैया आर्बिट्री क्वेश्चन हटाने के लिए आपको x माइनस अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x माइनस अल्फा की वैल्यू रखेंगे आप तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का फर्क भी डिजोल्व हो जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऑप्शन मैच करना पड़ेगा, ऑप्शन मैच करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, थोड़ा सा रीअरेंज करके जानबूझ के ऐसे करते हैं ताकि कमजोर दिल वाले आदमी पहले डर जाए इससे ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा। अरे यार मेहनत इतनी की है, थोड़ा सा और देख लो। अगेन ये इजियर सेड देन डन है, पता है कि ये मुश्किल है करना, बोलना आसान है, लेकिन हर साल कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग कर पाते हैं, आपको भी उस छोटे से फ्रैक्शन ग्रुप में आना है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेटेड रखना, एग्जाम का डेट क्या होगा क्या नहीं होगा अपनी तैयारी पूरी कर रखो ना, जो होगा वो सबके साथ बराबर ही होगा।
फॉर्मेशन का और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो इन पैराबोलास की बात हो रही है, ये पैराबोला वेदर ये जनरलाइज कर लेते हैं। तो भाई इसका जरूरी नहीं कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए एक्स प्लस बी। जो स्मॉल ए है वो फोकस को कैटर कर रहा है, फोकस लेफ्ट राइट कहीं भी होगा, और जो माइनस बी है या बी है वो वर्टेक्स को कैटर कर रहा है, इतना तो आप जानते ही। तो बच्चों मेरे कितने अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो टू डिफरेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है यहां पर, ठीक है बच्चों, दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ए एक्स प्लस फोर ए बी, ये पहली इक्वेशन। अगर दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, फिर आगे बात करनी चाहिए, करते हैं दो बार डिफ्रेंशिएट। तो टू वाई वाई डैश फोर ए प्लस जीरो, टू की भी जरूरत नहीं है, एक और बार डिफ्रेंशिएट करो फिर आगे बात करो। तो वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। और थर्ड इक्वेशन है बच्चों को मेरी नजर आ रहा है ना, ये कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तो सर है ही नहीं, कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, तो दिस इटसेल्फ इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू एलिमिनेट, कुछ एलिमिनेट करने के लिए बचा ही नहीं। तो राइट साइड लीनियर एक्सप्रेशन होने का यही फायदा है कि दो बार डेरिवेटिव लिया अपने आप साफ हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं एलिमिनेट करने का, जो आपको दिख रहा है ना बच्चों वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर टू है और डिग्री इसकी वन, राइट, ऑर्डर टू डिग्री वन, ऑर्डर टू डिग्री वन कहां दिख रहा है सर, ऑप्शन ऑर्डर टू डिग्री वन, डिग्री ऑर्डर जहां इसको उल्टा ऐसे ही करते हैं फालतू का, ताकि बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाए। ऑर्डर भूल गए आप, ऑर्डर पता है क्या होता है, ऑर्डर होता है जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव दिखता है, ऑर्डर होता है बच्चों जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव दिखता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। डिग्री क्या होती है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डेरिवेटिव की फ्रैक्शनल पावर ना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी डेरिवेटिव की फ्रैक्शनल पावर ना हो, तो जिस टर्म ने ऑर्डर बताया था, जिस भी डेरिवेटिव ने ऑर्डर बताया था उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो होता है डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, थर्ड को कोई फ्रैक्शनल पावर किसी पे नहीं है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा दिखता है, वाई डबल डैश मतलब ऑर्डर हो जाएगा टू, और वाई डैश की डिग्री भले ही टू है लेकिन ऑर्डर किसने बताया है, ऑर्डर वाई डबल डैश ने बताया, वाई डैश ने ऑर्डर नहीं बताया है। तो चूंकि वाई डबल डैश ने ऑर्डर बताया है तो उसकी पावर हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे डिग्री के लिए, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन, इसलिए डिग्री हमारा वन है। अब इस बात से 100% फैमिलियर होंगे, फैमिलियर देखो बच्चों आप इसमें सारी बातों से होंगे, वही कंप्लीशन की फीलिंग लेना हमारा एम है। चलिए जो बात हमने की, देखिए क्वेश्चन भी उसका हमारे सामने आ गया, आप करो जल्दी, आधे मिनट का काम है, मैं आधे मिनट के लिए रुका हूँ, 30 सेकेंड आप करिए इसको। ठीक है, क्या करना था सर, फ्रैक्शनल पावर हटानी है ना, तभी तो डिग्री क्या है बता पाएंगे। तो क्यूब ले लीजिए ना दोनों साइड, क्यूब ले लेंगे, 1 + 3 डी वाई बाई डी एक्स क्यूब ले लो तो स्क्वायर, तो इसका भी क्यूब लेना पड़ेगा, तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ऑर्डर कितना, ऑर्डर तो 3 है क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव डी थ्री, थर्ड ऑर्डर, तीसरी तीन बार डिफरेंशिएट किया वाला है, और जिस टर्म ने ऑर्डर बताया है उसकी पावर कितनी है, जिस टर्म ने ऑर्डर बताया है उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट, उसकी पावर भी 3, राइट। अब आप समझ के होंगे ऑर्डर डिग्री हम कैसे निकालते हैं। अब मेरे दोस्त बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि पावर 3 ली आपने सर, पावर 6 भी तो ले सकते थे, पावर 9 भी तो ले सकते थे। तो देखो हायर मैथ्स में ना जब आके आप जाओगे तो डिग्री नाम की चीज ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, ऑर्डर में मतलब रहता है। तो ऑर्डर तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी देख के बता सकते हैं, ऑर्डर तो 3 है, उसके लिए आपको पावर्स को फ्रैक्शन से हटाने की जरूरत नहीं है। तो डिग्री ना एक शैलो सा कॉन्सेप्ट है, बस जेई के लिए है, याद कर लो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ये सबसे जो मिनिमम पावर है ना वो लो और बड़ी पावर्स मत।
अगेन शैलो कॉन्सेप्ट है तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों इसकी, जो सबसे कम पावर लेने से आपका काम हो जाए उससे डिग्री निकाला करो, ये थंब रूल आप याद करेंगे तो दिक्कत नहीं है कि बाकी हायर मैथ्स में वैसे ही डिग्री नहीं है, ऑर्डर में ही बातें होती हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया सर अचानक से, तो ऑर्डर टू का आ गया। अरे सिलेबस में तो ऑर्डर वन है, ऑर्डर टू कैसे आ गया? मान लो आ गया आपके सामने, तो दिमाग लगा लेते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, कैसे कैटर करेंगे इसको। तो भाई एक बार तो इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स पर ई की पावर माइनस टू एक्स। तो अगर डी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे बच्चों इसको, तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये माइनस वन बाय टू प्लस सी आ जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, राइट, डी एक्स डी वाई रहने दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार और इंटीग्रेट कर दो, एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो ये वाई आ जाएगा माइनस टू नीचे आके वन बाई फोर ही बन जाएगा, ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी एक्स, और एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों की दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है सिंस ऑर्डर इज टू। तो जो ऑर्डर होता है ना वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, ये थंब रूल आप याद कर सकते हैं। जो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने होते हैं ना, अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने होते हैं ना वही ऑर्डर होता है, डिग्री नहीं होता सकते, डिग्री के लिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जो अलग अलग जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं ना उसी के हिसाब से आप ऑर्डर बता सकते हैं। क्यों मतलब समझ में आता है, मैं दिखा देता हूँ, पहले आप बात को ऑब्जर्व कर लीजिए, मैं पीछे जाके आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इधर फॉर्मेशन का क्वेश्चन दे, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको लिखे डिफरेंशिएट एन टाइम्स इफ एन इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। भाई साहब अगर आप एन बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऑर्डर तो एन हो गया, अगर आप n बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऑर्डर तो n हो गया ना, राइट। तो जितने अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऑर्डर वहीं से फिक्स हो गया उसका। जितने नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उतना ही हमारा ऑर्डर है, इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते फॉर्मेशन को जारी रखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन प्लेन। नॉन वर्टिकल लाइंस मतलब m ठीक ठाक है, स्लोप डिफाइंड है, तो भाई साहब लाइन कैसी होगी? अब देखो ध्यान से, इसमें से कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा और फिर इसको मिटा दूंगा कि मान लो लाइन की क्वेश्चन आपने ऐसी मान ली, तो क्या हमारे पास तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? क्या हमारे पास तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? नहीं, तीन एक से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, अगर आप बी से डिवाइड कर दोगे तो a by b x plus y plus c by d, therefore only two arbitrary constant। अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, राइट। तो समझने की कोशिश करिए बच्चों कि जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है उन पे नजर होनी चाहिए, राइट। तो यहां ये ठीक है, वास्तव में x plus c ले लिया, कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? दो। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर? दो बार। एक बार करो तो y dash m आ गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, दूसरी बार करो, फिर बात करो, कुछ बचा ही नहीं प्रिंट करने के लिए, तो जो आपको दिख रहा है वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डबल डेरिवेटिव जीरो होना हर नॉन वर्टिकल लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर सकता है। तो बच्चों देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो ए और बी कितने अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? दो। अभी दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो पक्की बात है कि ऑर्डर तो टू आएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उतना ही हमारा ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर तो पक्का पक्का, ऑर्डर तो पक्का पक्का टू ही आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर गलत, फर्स्ट ऑर्डर गलत, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब डिग्री कौन सी है उसके लिए तो भाई हमें फाइंड ही करना पड़ेगा, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, पहली इक्वेशन दो अलग अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है सर, तो दो बार तो डिफरेंशिएट आपको करना ही पड़ेगा, टू की जरूरत नहीं। फर्दर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बी वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है बच्चों, ए बी एलिमिनेट करना है, राइट, ए बी एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करोगे यार, कैसे एलिमिनेट करोगे, तो वन और टू इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब आपको समझ आएगा, मैंने जो बोला था ना कि अगर दो आर्बिट्री क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है तो दो ही इक्वेशन काफी है। अगर दो आर्बिट्री क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों तो दो ही इक्वेशन काफी है, फर्स्ट और टू। लेकिन अगर आर्बिट्री क्वेश्चन ए और बी का सफाया करना है दुनिया से तो एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, ताकि आप वैल्यू पुट कर दो थ्री में टू गेट रिड ऑफ देम फॉरएवर। अगर आपको दो आर्बिट्री क्वेश्चन एलिमिनेट करना है तो आपको तीसरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा आप इसे। तो ये तो कुछ खास डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो मैं बहुत टाइम आपका इसमें नहीं लगाना चाहता, सिंपल से चैप्टर है, टेबलेट्स के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। तो जिससे आप लास्ट क्वेश्चन एक बार पहले खुद ट्राई कर लीजिए इसका। आर्बिट्री क्वेश्चन एक ही है तो कोई पंगा पड़ेगा नहीं, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे एग्जाम में बच्चों पढ़ाई ये बोल के जाना, एग्जाम की कंप्लीट है मेरा सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने नहीं वाले, ठीक ठाक से क्वेश्चन आएंगे जो आप कभी ना कभी किसी न किसी चीज पे जरूर किया हो, क्लास में किया होगा, रिवाइज किया होगा, कभी ना कभी जरूर किया होगा। और कॉन्फिडेंट फील करोगे ना तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो। और कॉन्फिडेंट कैसे फील करें, तो ये जो हमारी सीरीज है ना डेली डेली वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से, ये हर का क्रक्स दे देती है आपको। क्रक्स आपको पता होना तो आपको लगता है यस आवर सिलेबस इज कम्प्लीट है। बाकी मैथ में फुल स्टॉप लगाना तो कहीं भी पॉसिबल नहीं होता, एक जगह तो सोचना पड़ेगा ना हमें, यस दिस इज आवर पॉइंट, ये मान सकते हैं यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो मेंस से लेते तो ठीक है, एडवांस में जो ज्यादा करना पड़ता है मेंस में तो इतना चल जाएगा। एक ही आर्बिट्री क्वेश्चन था तुम्हारे सामने, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो, एक ही आर्बिट्री क्वेश्चन है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2x 2y y dash minus 2ay dash is equal to 0। तो भाई साहब क्या करो, a की वैल्यू उठा के डाल दो यहां से देखो a क्या आ रहा है, a आ रहा है x plus y y dash upon y dash। इसको उठा के अगर आप पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको उठा के अगर आप पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाइंड कर सकते वैल्यू, इजी है, इसलिए आपको बोला था कुछ सेकंड में, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो मेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक फाइंड द सॉल्यूशन, एक फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन पर छोटा पार्ट है और बोर्ड में बहुत कवर था, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा कवर कर लिया। फाइंड द सॉल्यूशन पे हमारा मेन फोकस था। तो फाइंड द सॉल्यूशन में तीन मेन तरीके होते हैं, इनफैक्ट एक ही तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा जो होमोजीनियस और एक लीनियर होता है वो सारे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के तरीके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सबको हमने अलग अलग सीखा और याद कर लिया, राइट। तो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल लगा। ऑल द वेरी बेस्ट आपको फ्यूचर एंडेवर्स के।